हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं जो है बात करूंगा, जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रे होती है, यूनिट है इमरजेंसी मेडिकल ट्रे विद पर्पज ऑफ द बिल्ट पोर्टेबल ट्रॉली। तो मेडिकल इमरजेंसी ट्रे जो है एक एक्सेसिबल प्लेस पे रखी होनी चाहिए और उसको जो है रूटीन मॉनिटर करना चाहिए स्टाफ नर्स के द्वारा वीकली और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा मंथली एक बार उसको रूटीन चेकअप करना चाहिए। अब पहले मैं बात करूंगा इमरजेंसी ट्रे के इक्विपमेंट फॉर ऑल यूनिट, जितने होते हैं सारे इमरजेंसी ट्रे में इक्विपमेंट होते हैं, पहले उसके बारे में बात करूँगा। पहले तो उसमें एम्ब्यू बैग होना चाहिए एटलीस्ट 2 पीस और फिजिकली उसको इंटीग्रेट करना चाहिए वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार उसको चेक कर लेना चाहिए कि कुछ लीक तो या कहीं से वो फट तो नहीं गया है एम्ब्यू बैग। मास्क डिफरेंट टाइप्स के मास्क साइज के होनी चाहिए। एक फ्लैश लाइट चाहिए विद एक्स्ट्रा बैटरी के साथ वहाँ होना चाहिए। पोर्टेबल साइज का ऑक्सीजन सिलेंडर होना ज़रूरी है विद प्रॉपर गाज और मास्क के साथ। स्वैब पीस होना चाहिए, स्पंज कॉटन होना चाहिए, एडहेसिव टेप होना चाहिए, ग्लव्स डिफरेंट साइज के ग्लव्स होने चाहिए 6.5, 7, 7.5, 8। स्टेथोस्कोप होना चाहिए और ब्लड प्रेशर मशीन, गुड क्वालिटी की ब्लड प्रेशर मशीन होना चाहिए। लरेंजियोस्कोप वहाँ होना चाहिए इमरजेंसी ट्रेन पे। और डिस्पोजेबल ओरल एयरवेज आप वेरियस साइज का होना चाहिए। एक सीजर होना चाहिए, ग्लूकोमीटर होना चाहिए विद स्ट्रिप, एटलीस्ट 2 स्ट्रिप होना चाहिए। कैथेटर वहाँ होना चाहिए। नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब्स ऑफ द वेरियस साइज, अलग अलग साइज की नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब होना चाहिए। सीबी लाइन होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 सीबी लाइन होना चाहिए। लंबर पंक्चर नीडल्स डिफरेंट साइज की वहाँ पर होनी चाहिए। कैटगट सिल्क आर्टरी फोरसेप और स्मॉल पोर्टेबल सक्शन मशीन होना चाहिए, पोर्टेबल इजीली इधर उधर से मूव कर सकें। डिफिब्रिलेटर एक होना चाहिए, ईसीजी मशीन एक होनी चाहिए, नेबुलाइजर एक होन, एटलीस्ट 2 नेबुलाइजर होना चाहिए। चेस्ट ट्यूब विद अंडर वाटर सील एटलीस्ट 3 पीस होना चाहिए और ऑप्थाल्मो स्कोप होना चाहिए। ये सारे इक्विपमेंट जो है इमरजेंसी ट्रे पे होना चाहिए। अब मैं अब बात करता हूँ कि इमरजेंसी ट्रे पे मेडिसिन कौन कौन सी होनी चाहिए आल एलिमेंट की। गौर से सुनिए, कम से कम ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो एटलीस्ट इमरजेंसी ट्रे पे होना चाहिए। इंजेक्शन एड्रेनालिन का कम से कम 5 पीस होना चाहिए। इंजेक्शन एंटी हिस्टामिन का 10 पीस होना चाहिए। एट्रोपिन सल्फेट इंजेक्शन 5 होना चाहिए। इंजेक्शन हाइपरटोनिक 10। सोडा बाई कार्बोनेट एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट का वायल 5 ईच, 5 सोडियम बाई कार्बोनेट का, 5 कैल्शियम ग्लूकोनेट का होना चाहिए। इंजेक्शन डोबुटामाइन एंड डोपामाइन का 5 डोपामाइन 5 डोबुटामाइन। इंजेक्शन हाइड्रोकार्टिसोन का डिफरेंट स्ट्रेंथ का होना चाहिए 5 एटलीस्ट। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन 10 होना चाहिए। इंजेक्शन लिग्नोकेन 5 होना चाहिए। डाइजेपम इंजेक्शन भी 5 होना चाहिए। इंजेक्शन लेनोलिसिन 10 ईच होना चाहिए। टैबलेट एस्प्रिन का 10, 1 स्ट्रिप एस्प्रिन टैबलेट वहाँ पर होना चाहिए इमरजेंसी ट्रे पे। इंजेक्शन फ्रोसामाइड 10 होना चाहिए। इंजेक्शन नेलक्सासोन 10 होना चाहिए और जिलेसन पॉलीपेप्टाइड 5 होना चाहिए। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड भी 5 इंजेक्शन होना चाहिए। इंजेक्शन आइसोसारबाइड डोमिट्रेट 5 होना चाहिए। इंजेक्शन विटामिन के 5 होना चाहिए। इंजेक्शन रेनिटिडिन 5 होना चाहिए। इंजेक्शन ट्रेंसिक एसिड 5 होना चाहिए।
सोलूशन होना चाहिए साल्बुटामॉल का एक एटलीस्ट, इंजेक्शन अमीनोफाइलिन 250 mg का 5 होना चाहिए, इंजेक्शन डाइमिनहाइड्रिनेट 2 होना चाहिए, एक ऑक्सीजन की होना चाहिए, आईवी कैनुला 2 होना चाहिए, सिरिंज 5 cc की एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, कटर 1 होना चाहिए, एयरवे 1 होना चाहिए। ये सारी मेडिसिन थी इधर और उधर जो था इक्विपमेंट था, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट इमरजेंसी ट्रे पे होना चाहिए और उसको जो है एक ऐसे प्लेस पर रखना चाहिए इजीली मिल जाए और इजीली इसको कैरी किया जा सके। स्टाफ नर्स वीकली उसको चेक करना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ कम हो गया क्या चीज़ नहीं है और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एटलीस्ट 1 month में पूरा सेटअप चेक करना चाहिए। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। थैंक यू।